new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. इससे पहले के मैं व्यापक तौर से इस देश के किसानों की ओर से उस पर प्रकाश डालूं उसका सारांश हमारे ही एक साथी ने जो इस मंच पर मौजूद हैं वो पांच लाइनों में किया है मैं पहले वो आपको पढ़कर बताऊंगा लागत के ऊपर पचास प्रतिशत का मौका ऐसे दिया था समर्थन मूल्य का धोखा झूठ की बुआई झूठ की बुआई जुमलों का खाद वोटों की फसलें वादे नहीं याद झांसों का खेल प्रधानमंत्री फेल ये इस देश के किसान की असली भावना है मई 2014 में झूठ की बुनियाद पर और लागत जमा 50% प्रतिशत की जुमलावाणी कर मोदी जी ने देश के अनदाता किसान का समर्थन तो हासिल कर लिया परंतु चार सालों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बिसात पर कभी खरे नहीं उतरे अब हार की कगार पर खड़ी मोदी सरकार एक बार फिर राजनीतिक लॉलीपॉप के एमएसपी के नए जुमले गढ़ रही है सच तो यह है कि मोदी सरकार के उनचास महीने में मोदी काल में किसान काल का ग्रास बना है न समर्थन मूल्य मिला न मेहनत की कीमत न कर्ज से मुक्ति मिली न अथक परिश्रम का सम्मान ने खाद कीटनाशक दवाई बिजली डीजल की कीमतें कम हुई और नहीं हुआ फसल के बाजार भावों का इंतजाम अंदाता किसान आज कह रहा है कि के केवल जुमलों और कोरी झूठ से पेट नहीं भर सकता क्या झूठी वाहवाही लूटने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने ऊंट के मुंह में जीरा डालने और नगाड़े बजाने व समाचारों की सुर्खियां बटोरने से आगे बढ़ मोदी जी देश के मूलभूत सवालों का किसानों को जवाब देंगे पहला कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की 2017-18, यानी पिछले साल की सिफारिश के मुताबिक भी आज की घोषित खरीफ फसलों को लागत जमा पचास प्रतिशत के बराबर नहीं माना जा सकता और एक पूरा चार्ट सी ए सी पी की दो हज़ार सतारह अठारह की रिकमेंडेशंस के मुताबिक मैं आपको दे रहा हूं पर अगर उनमें से मैं कुछ पढ़ूं धान यानी चावल लागत जमा पचास प्रतिशत पिछले साल की सी ए सी पी की कीमत के मुताबिक होना चाहिए दो हज़ार दो सौ छब्बीस दूसरे साल में रिकमेंडेशन आई है 1750 ज्वार लागत जमा 50 प्रतिशत पर पिछले साल की कृषि मूल्य आयोग के मुताबिक कीमत होनी चाहिए 3133 रुपया क्विंटल इस साल घोषणा की गई है 2430 रागी 3526 रुपया लागत जमा पचास प्रतिशत और दी गई है अट्ठाईस सौ सत्तानवे मेज़ यानी जो दो हज़ार रुपया प्रति क्विंटल लागत जमा पचास प्रतिशत पर दी गई है सत्रह सौ अरहर 6918 हज़ार नौ सौ अट्ठारह रुपया प्रति क्विंटल लागत जमा पचास प्रतिशत पर दी गई है पाँच हज़ार छः सौ पचहत्तर इत्यादि इत्यादि ये पूरा चार्ट आपके सामने है तो सवाल बड़ा सीधा है आज घोषित खरीफ फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य मोदी जी द्वारा किए गए लागत जमा 50 प्रतिशत के वादे को पूरा नहीं करता क्या यह किसान के साथ धोखा नहीं मोदी सरकार यह तो बताना भूल ही गई कि आज घोषित कीमत भी अगली सरकार को देनी है खरीफ की फसल जब बाजार में आएगी तो मोदी सरकार को जनता ने चलता कर दिया होगा यह कीमत उन्हें नहीं देनी अगर चार सालों में उनचास महीने में मोदी जी वाकई में लागत जमा पचास प्रतिशत मुनाफा दे देते तो इस देश के किसान के हाथ में दो लाख करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त आती जो राष्ट्र निर्माण में भरपूर सहयोग देती कटु सत्य ये है दूसरा मोदी सरकार जानबूझकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की 2018-19 की सिफारिश को सार्वजनिक नहीं कर रही दोस्तों आज आदरणीय राजनाथ सिंह जी ये बताना भूल गए कि 2018-19 की कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें तो सार्वजनिक की ही नहीं गई आज भी जो मंत्रिमंडल ने निर्णय किया उन्होंने एक साल पहले यानी 2017-18 में कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया और उसे भी मानने से इनकार कर दिया जैसा यह चार्ट आपको स्पष्ट तौर से दर्शाता है आप सत्तारह अठारह के बाद क्या खाद की कीमतें नहीं बढ़ी सत्तारह अठारह के बाद क्या डीजल और बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी सत्तारह अठारह के बाद क्या कीटनाशक दवाई की कीमतें नहीं बढ़ी सत्तारह अठारह के बाद क्या परिश्रम की कोई कीमत नहीं बची सत्तारह अठारह के बाद क्या ज़मीन की जो रेंट है यानी ज़मीन का जो किराया है उसकी कोई कीमत आंकी नहीं जाएगी ये बताना वो स्पष्ट तौर से भूल गए ये किसान के साथ धोखाधड़ी नहीं तो क्या है और ये और ज्यादा संगीन हो जाता है जब हम इसे इस पृष्ठभूमि में देखते हैं कि 20 जून 2018 को हाल में ही नमो ऐप के माध्यम से जब मोदी जी ने वार्तालाप किया तो उन्होंने कहा कि वो लागत जमा 50 प्रतिशत C2 के आधार पर देंगे यानी भूमि का जो किराया है वो शामिल करके देंगे उन्होंने कहा और मैंने उनकी स्पीच का वो हिस्से का लिंक आपको भेज रहा हूं उन्होंने कहा कि किसान की मजदूरी व परिश्रम बीज खाद मशीन सिंचाई जमीन का किराया आदि सब चीजों को शामिल कर हम किसान को लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा देंगे पर 30 दिन के अंदर से कम के अंदर ही यह 18 जून को वादा किया गया और आज ही यह वादा फिर जुमला बन गया क्योंकि मोदी जी ने स्वयं का नमो ऐप पर किया हुआ वादा ही तोड़ डाला और बात यहां भी खत्म नहीं होती मोदी सरकार ने लागत निर्धारित करते समय तीन महत्वपूर्ण बातें तो पूरी तौर से दरकिनार कर दी पहली 16 मई 2014 को डीजल की कीमत छप्पन रुपया इकहत्तर पैसे लीटर थी जो आज ग्यारह रुपये लीटर ज़्यादा हो गई और आज के दिन कीमत है सतासठ रुपया बयालीस पैसे लीटर किसान को क्या उस कीमत का आपने लाभ दिया जैसा आपने वायदा किया था दूसरा पिछले छः महीने में खाद की कीमतें बेलगाम होकर 24 प्रतिशत बढ़ गई मातर इफको जो डीएपी खाद का 50 किलो का कट्टा जनवरी 2018 में एक हजार इक्यानवे रुपए में बेच रहा था वो आज बारह सौ रुपए में बेच रहा है ये इफको के रेट हैं। किसान लगभग 90 लाख टन डीएपी खरीदता है तो पांच हजार छह सौ पचास करोड़ का सालाना नुकसान तो केवल 2018-19 में डीएपी की बड़ी कीमतों से किसान को हो जाने वाला है मोदी जी क्या आपने इसके इसको कीमतें निर्धारित करते समय इस बात का ख्याल रखा और यही हाल कीटनाशक दवाइयों बिजलियों और खेती के उपकरणों का भी है और बात यहां भी खत्म नहीं होती सत्तर साल में पहली बार किसी शासक और क्रूर सरकार ने खेती पर टैक्स लगाने की जरूरत की मोदी जी ने खाद पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाया मोदी जी ने ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर बारह प्रतिशत जीएसटी लगाया ट्रैक्टर के टायर और ट्रांसमिशंस पर अट्ठारह प्रतिशत जीएसटी लगाया कीटनाशक दवाइयों पर अठारह प्रतिशत जी लगाया और कोल्ड स्टोरेज इक्विपमेंट पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया क्या आपने खुद के द्वारा सत्तर वर्ष में पहली बार खेती पर लगाए गए टैक्स को किसान को दी जाने वाली कीमतों में शामिल किया जवाब नहीं में है क्या यह धोखा नहीं और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चालू की गई किसान के कल्याणकार कल्याण के लिए उसका नतीजा अब हमारे सामने चौदह हजार आठ सौ यानी पंद्रह हजार करोड़ मुनाफा हुआ बीमा कंपनियों को और किसान को क्लेम मिला छप्पन करोड़ क्या यही किसान कल्याणकारी नीति है मोदी सरकार की और अंग्रेजी में कहावत है प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन इफ आई एम करेक्टली खेती का निर्यात वो तो गिर गया साढ़े नौ बिलियन अमेरिकी डॉलर मोदी जी के चार साल में उनचास महीने में और खेती का आयात बढ़ गया दस बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी किसान जो उप, आ, उपज उगाएगा उसको विदेश में नहीं भेजा जाएगा परंतु जो दूसरे देशों का किसन, किसान किसान उपज उगाएगा उसको हमारे देश के बाजार में बेचा जाएगा बीस बिलियन अमेरिकी डॉलर का किसान को इन उनचास महीने में नुकसान हुआ है इसके लिए जुम्मेवार कौन है तो हम केवल और केवल मोदी जी को यह कहेंगे झांसों का खेल प्रधानमंत्री फेल और अब अगली सरकार जो है न केवल ये कीमत देगी परंतु यह सुनिश्चित करेगी कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले और वो सब जो इस देश के बासठ करोड़ मजदूर और किसान अन्नदाताओं को वंचित किया है मोदी सरकार ने वो सारी कीमतें कांग्रेस की जो अगली सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगी 2019 में हम इसे दुरुस्त करके दिखाएंगे